सहारनपुर हिंसा मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जेल से बाहर आते ही अपने नाम में बदलाव किया है। उन्होंने अपने नाम के पीछे से रावण हटा लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी मेरे नाम के साथ रावण को जोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए चंद्रशेखर आजाद की पहचान रावण शब्द बन गया था। हर कोई उन्हें रावण कहकर बुलाता था। यहाँ तक कि हिंसा के बाद कहा जाने लगा था कि रावण ने ही सहारनपुर को सुलगाया है। लेकिन अब आजाद ने अपने नाम के पीछे से इस शब्द को हटा दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी मेरे नाम के साथ रावण को जोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि रावण शब्द कहीं उनके नाम में नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सभी सर्टिफिकेट में सिर्फ चंद्रशेखर नाम है। पता नहीं कि उसमें रावण जोड़ दिया गया। आपको बता दें कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के नाम से ज्यादा चर्चित हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ इस नाम का इस्तेमाल समर्थकों ने अनुसूचित आंदोलन के दौरान बखूबी किया। लेकिन अब 16 महीने के बाद जेल से बाहर आए चंद्रशेखर ने अपने नाम के पीछे से रावण शब्द हटा दिया है। रावण शब्द से परहेज को चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जेल से बाहर आते ही चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वो चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उनके इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि अब वो एक्टिविस्ट मोड से ज्यादा चुनावी मोड में हैं। वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।